पैसों के लिए किसी की ज़िंदगी से मत खिलवाड़ कीजिए, क्योंकि वो बड़ा होकर के आगे निकल करके आपको गालियाँ ही बकेगा और कुछ नहीं करेगा। तो कल की गालियों से अच्छा है आज आप उसे साइड में कर दीजिए, वो चीज़ें बंद कर दीजिए। फालतू के काम आप करोगे आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे, बदनामी आपकी होगी और लोग ये कहेंगे सारे मार्शल आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं। मार्शल आर्ट की बेइज्जती होगी वहाँ पे, उसमें हम भी नपेंगे, जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं वो भी नपेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे मास्टर सेलेस्ट चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपके लाइफ के, अगर दोस्तों आपको अपना फ्यूचर बनाना है, मार्शल आर्ट की दुनिया में नाम कमाना है, तो आप बिल्कुल सही चैनल के ऊपर हैं, मास्टर सेलेस्ट। और आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप गरीब हैं, अमीर हैं, पैसे नहीं आपके पास या किसी तरीके का फाइनेंशियल कंडीशन है आपके पास, तो दोस्तों पैसा मैटर नहीं करता कि आपको सीख नहीं पा रहे हैं, आप ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं। मैंने YouTube के ऊपर इतना बता रखा है कि आप अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर मेरे चैनल को पूरा खंगालेंगे दोस्तों तो लगभग 280 वीडियो के आसपास मैंने अपलोड किया हुआ आज तक, और जिसमें ऐसे ऐसी वीडियोस बना के दिया है कि आप घर पे ही अच्छे से अच्छी फिजिकल कर सकते हैं जो आपको एक कोच करवाता है। और इतने सिंपल तरीके से उसमें ये तक बताया गया है कि पंच कैसे बांधना है। तो आई होप इससे सिंपल वीडियोस हो नहीं सकती, मैं इस तरीके से ट्रीट करता हूँ कि मेरे सामने एक स्टूडेंट है, कैमरा नहीं, मेरे सामने एक स्टूडेंट है, उसको मैं बता रहा हूँ ये ऐसे बांधो, ये ऐसे बांधो, इस तरीके से ऐसे डील करता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसमें अपना फ्यूचर बनाएंगे कैसे। जब दोस्तों मेरे पास कोई ऑफ़र आता है तो उस ऑफ़र को मैं अपने किसी गरीब स्टूडेंट को दे देता हूँ। जैसे एक मेरे पास ऑफ़र आया स्कूल का कि मैं आप मेरे स्कूल में आकर के ट्रेनिंग दीजिए, तो वहीं दिल्ली का ही एक बंदा था जो काफ़ी पैसों से जूझ रहा था, मेरी फ़ीस भी समय समय पर नहीं दे पाता था। बट दोस्तों मैं किसी भी कंडीशन में अपनी फ़ीस नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं फ़ीस नहीं लूँगा तो बंदा सीरियस कभी नहीं होगा। फ़ीस मैं ज़रूर लेता हूँ, कुछ कम कर देता हूँ फ़ीस, बट फ़ीस मैं ज़रूर चार्ज करता हूँ। ये भी मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ छुपाऊँगा आपसे, सब कुछ बताऊँगा। आपको अगर लगता है मैंने गलत किया है तो आप बिल्कुल आप मेरे चैनल छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है मैं सही हूँ, सही कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल इसे आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हालांकि आप मेरी वीडियो तो देखते ही, उसके लिए थैंक यू। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको जो सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं उस सर्टिफिकेट को लेकर के आप किसी भी स्कूल में कहीं पे भी अपनी क्लासेस डाल सकते हैं। ब्लैक बेल्ट या मेरे थ्रू दोस्तों आप 12 से 15 महीने 18 महीने के अंदर अंदर आप ब्लैक बेल्ट का कोर्स कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको 13 से 14 महीने 15 महीने मोर देन इनफ है। अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस पे हैं, कंटिन्यू टेस्ट दे रहे हैं, तो ब्लैक बेल्ट होने लिए इतना समय लगता है। आज की डेट में दोस्तों 10-10, 15-15 हज़ार रुपये फीस हो चुकी है ब्लैक बेल्ट की। तो जाहिर सी बात है एक आम आदमी तो 10-10, 15-15 हज़ार निकाले तो नहीं फेंक सकता है कि हाँ मुझे ब्लैक बेल्ट होना है। तो उसके लिए जब वो रेड वन, ब्लू वन या उस लेवल पे हो जाता है तो उसे क्लास खोल करके दे दिया जाता है उस एरिया के बच्चे, मेरे यूट्यूब के माध्यम से उसको ऐड जुड़ते हैं उनसे, और जुड़ने के बाद वहाँ पर वो ट्रेनिंग करते हैं। मैं वीक में या मंथ में एक दिन लाइव आ करके वहाँ पर ट्रेनिंग देता हूँ, जो कि सामने एक बड़ा सा टैबलेट वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें रख दी जाती हैं जहाँ पे मैं उनका ट्रेनिंग देखता हूँ या मैं खुद भी उनको ट्रेनिंग करवाता हूँ। अभी अभी दोस्तों रिसेंटली एक क्लास खुली है उड़ीसा में, युधिष्ठिर सिन्हानी नाम है इनका, मेरे स्टूडेंट हैं। इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट करके दोस्तों आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर आप इस एरिया के आसपास हैं तो आप वहाँ पर जा करके आराम से उसमें जुड़ सकते हैं, आगे ट्रेनिंग कर सकते हैं। जब दोस्तों आप ब्लैक बेल्ट होंगे तो आपको भी कोई स्कूल, कोई ऐसी क्लासेस दी जाएंगी जहाँ पे आप अपना नाम बना सकते हैं, अपना पहचान बना सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं अच्छा खासा। मेरे कई ऐसे स्टूडेंट हैं दोस्तों जो अच्छा खासा नाम भी बनाए हुए हैं, टूर्नामेंट्स भी खिलवाते हैं बच्चों को और पैसे भी कमाते हैं। क्योंकि दोस्तों किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए इंडिया में पैसा बहुत तेज़ी से चोक करता है उस इंसान को आगे बढ़ने के लिए। तो मेरा मेन फोकस ये है, नाम, मेहनत, पैसा, ये तीन चीज़ हमेशा लेकर के चलिए, आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है दोस्तों कि अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ऐड हो सकते हैं। इस नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको ऐड कर दिया जाएगा। बट मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ सही है उसके अगेंस्ट में कुछ चीज़ें गलत भी हैं। आप ऐसी जगह तो नहीं फंसे हुए हैं जहाँ पर आपको बोला जाता है आपकी किक ज़्यादा उठती है, आप स्ट्रेचिंग पूरी कर लेते हैं, आप 125 ही दे देना, तुम स्ट्रेचिंग नहीं कर पाते तुम 130 दे देना, तो सब्जी बेचने वाले पास तो नहीं है आप कहीं। तो थोड़ा सा इन लोगों से बच के रहिए, ये आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं आपके साथ। क्या फ्यूचर है आपके पास? कोई फ्यूचर है? कोई फ्यूचर नहीं है। कभी भी एक गोल बनाइए। अगर आप गोल नहीं बना सकते, मेरी बातें कड़वी हैं, बहुत कड़वी हैं, मिर्च से भी ज़्यादा कड़वी हैं, बट सच है, जिसके पास एक टारगेट नहीं होता वो कभी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। आप दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं दौड़ के जाना कहाँ है। कभी आप तेज़ दौड़ रहे हैं, कभी आप स्लो दौड़ रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं बन रहा उस दौड़ का। जब गुरु ही गोबर हो तो चेले से क्या आप
एक्सेप्ट करते हैं कि चेला आपको क्या करके देगा, जब गुरु उस लायक ही नहीं है। जाहिर सी बात है ना, जब आपका जड़ ही कमज़ोर कर दिया गया है तो आपके फल तो सड़े हुए ही निकलेंगे। तो आप कहीं ऐसी जगह तो नहीं फंसे हुए हैं कि आपसे केवल थोड़े थोड़े करके पैसे बटोरे जा रहे हैं अपना नाम उठाने के लिए। तो ऐसे लोगों से बच करके रहना है, क्योंकि अच्छी सेल्फ डिफेंस बताने के साथ साथ मेरा ये भी फर्ज बनता है कि आपको गलत लोगों से बचाऊं। कुछ लोग हैं ऐसे जो मतलब कि मुझे पसंद नहीं करते हैं, मुझे लाइक नहीं करते हैं, मुझे उनसे मतलब नहीं है। मुझे जो लाइक करते हैं, जो मेरा फॉलो करते हैं, मुझे उनसे मतलब है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन सब हरकतों को बंद कर दीजिए। आप अगले का फ्यूचर ख़राब कर रहे हो, आप खुद भी अपना फ्यूचर ख़राब कर चुके हो, अगले भी ख़राब कर रहे हो। तो ऐसा मत करिए। थोड़े से पैसों के लिए किसी की ज़िंदगी से मत खिलवाड़ कीजिए, क्योंकि वो बड़ा होकर के आगे निकल करके आपको गालियाँ ही बकेगा और कुछ नहीं करेगा। तो कल की गालियों से अच्छा है आज आप उसे साइड में कर दीजिए, वो चीज़ें बंद कर दीजिए। फालतू के काम आप करोगे आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे, बदनामी आपकी होगी। और लोग ये कहेंगे सारे मार्शल आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं, मार्शल आर्ट की बेइज्जती होगी वहाँ पर, उसमें हम भी नपेंगे, जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं वो भी नपेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वन ऑफ द बेस्ट हम ही हैं, हम ही 30 मार खान है, तुर्रम खान हम ही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक से एक सीनियर है, एक से एक बढ़कर खिलाड़ी हैं, हमसे बहुत ऊंचे ऊंचे प्लेयर हैं, ऐसे ऐसे ऊंचे प्लेयर हैं जिनसे हम मिल नहीं सकते, ऐसे भी खिलाड़ी हैं दुनिया के अंदर। बट दोस्तों, उन लोगों की बेइज्जती होगी तो ये ठीक बात नहीं है। आप थोड़ा इस बात को सोचिए, समझिए, थोड़ा सा लोगों का फ्यूचर सिक्योर कीजिए। किसी को ऐसा गाइड मत कर दीजिए कि वो अपनी फ्यूचर के ऊपर ही अपनी टांगों पे कुल्हाड़ी मार बैठे और कुछ करना पाए लाइफ में, ठीक है। तो आपको एक टारगेट बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया के सबसे मोटिवेशनल स्पीकर, जो दुनिया सबसे बड़े बिजनेस कोच हैं, विवेक बिंद्रा सर, वो कहते हैं कि जिसके पास गोल नहीं है वो बिल्कुल बेकार है, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता लाइफ में। कभी भी एक गोल बनाइए और अपने आप को झोंक दीजिए उसमें, देखिए आप अंदर कितनी क्षमता है, कितनी तड़ है, आप कब तक प्रैक्टिस कर सकते हैं, कितनी मेहनत कर सकते हैं, कोई अंत नहीं है इसका। कोई सही भी टारगेट को आप अचीव कर सकते हो, बट आप करने में उतारू हो जाओ तो। जब 1000 बार में बल्ब नहीं बना ना दोस्तों, तब 1001वीं बार में पता चला कि इस 1000 तरीके से बल्ब बन ही नहीं सकता। जो 1001वां तरीका है उससे ही बल्ब बन सकता है तो बन सकता है, बट वो 1000 तरीके को गलत नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सारी दुनिया के लिए एक सबक है कि ये चीज़ आप मत करना, इससे आप सक्सेस नहीं होगे। तो गोल जब तक आपके पास नहीं है तब तक आप किसी काम के नहीं हो। आप बस दौड़ रहे हो, पागलों की तरह दौड़ रहे हो, आपका कोई एम है ही नहीं। आप पढ़ाई कर रहे हो, दोपहर में बैठ जाते हो पढ़ाई करने, शाम में बैठ जाते हो, रात में 2 बजे उठ के पढ़ाई करने बैठ जाते हो, बट आप एग्ज़ाम देने जा ही नहीं रहे हो। तो आपके 2 बजे उठ के पढ़ाई करने का फ़ायदा क्या है? आपने खुद भी हराम किया अपनी नींद, दूसरों की भी नींद हराम की, सबको कष्ट दिया, बट अचीव कुछ भी नहीं हुआ। मतलब दोस्तों कहते हैं ना, नगाड़ा खूब तेज बजा और नाचने वाला कोई था ही नहीं। तो कहानी मत करिए, ये फालतू ही चीज़ें हैं दोस्तों। समझिए ऐसे लोगों को कि वो आप लाइफ के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, और सही गलत का डिसीजन आज एक बच्चा बच्चा कर सकता है, क्या सही है क्या गलत है। तो आप अगर कल को ये बोलते हैं मुझे गलत गाइड कर दिया, तो इसमें गलती आपकी है, आप गलत हो। आप क्यों गए ऐसे लोगों के पास, क्यों आप उन इस टच में आए? थोड़ा सा दिखावे के ऊपर, थोड़े से बहलावे फुसलावे के ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए। जो आपको मस्का लगा रहा है ना, वो कभी भी आपसे पलट सकता है। कोई भी टैलेंट वाला आदमी आपको कभी मस्का नहीं लगाएगा, कभी आपकी पैर भी नहीं करेगा, ठीक है। तो जो चीज़ें हैं, अगर आपको कुछ सीखना है तो झुकना पड़ेगा, हर हाल में झुकना पड़ेगा अगर आप सीखना चाहते हैं तो। नहीं सीखना चाहते हैं तो सबकी दुनिया चल रही है, कोई बैठा नहीं है। तो बस यही था दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ। अगर आप कल को फेल होंगे तो आप यही बोलेंगे सारे मार्शल आर्टिस्ट चोर होते हैं, किसी काम के नहीं होते, बस पैसे ठगने के लिए बैठे हैं। तो ऐसा आप ना कह पाएं, इसलिए आज ये वीडियो बना के मैं आपको दे रहा हूँ। ये मेरा फर्ज था, मेरी ड्यूटी थी, सो मैंने आपको बता दिया है। आगे आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं या आप गड्ढे में कूद जाते हैं, मैं देखने तो नहीं जा रहा हूँ, कड़वा है बट सच है। आप इसे एक्सेप्ट कीजिए, और एक्सेप्ट करने साथ साथ इस पर वर्क भी जरूर कीजिए। बस आज के लिए इतना था, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।